1800 11 4000, यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। प्राइम टाइम लाइव NDTV इंडिया स्टूडियो से। नोएडा एक्सटेंशन के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। 26 जुलाई को आएगा फैसला, मगर निवेशकों और बिल्डरों की धड़कनें कम नहीं हुई हैं। फैसला आज नहीं आया तो क्या हुआ? जो कल आया था उसी से निवेशकों के होश उड़े हुए हैं। रोजा याकूबपुर गांव के लोगों को 26 जुलाई तक इंतजार करना होगा। 4 साल पहले ली गई उनकी 468 हेक्टेयर जमीन के मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। लेकिन पतवाड़ी गांव के किसान नसीब वाले रहे। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी 589 हेक्टेयर जमीन लेने का फैसला रद्द कर दिया। किसान खुश हैं, लेकिन मकान का सपना देखने वाले मायूस। ये जमीन ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कारखाने लगाने के लिए ली थी, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल बदल कर इसे बिल्डरों को फ्लैट बनाने के लिए बेच दिया गया। इस जमीन पर 1 लाख फ्लैट बनाने की योजना थी। 20,000 फ्लैट तो बिक भी चुके हैं। खरीदने वालों ने 800 करोड़ की रकम भी बिल्डरों को दे दी। इस इलाके में 17 बड़े बिल्डर फ्लैट बना रहे थे, लेकिन अब कोर्ट का फैसला रुकावट बन गया। जिन बिल्डरों पर आंच आई है उनमें अहम है सुपरटेक, आम्रपाली, वैलेंशिया, अरिहंत, निराला, अजय इंटरप्राइजेस, सुपर सिटी, पटेल और गायत्री। ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2 स्कीम भी फंस गई है। इन योजनाओं में 120 से 220 मीटर के 4,250 प्लॉट दिए जाने थे। कुछ योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और कुछ पर होने वाला था। किसान को जमीन वापस मिली भी तो उसे खेती करने लायक बनाने में काफी पैसा खर्च करना होगा। यानी किसान भी परेशान, निवेशक भी परेशान। बिल्डर बीच में है, लेकिन सारा घोटाला करने वाले अफसरों पर कोई आँच नहीं आई है। किसानों की सोचिए, कम से कम अब सोचिए। उनकी जमीन जबरन 800 रुपए प्रति मीटर के रेट से ली गई और 7,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बिल्डरों को बेच दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस हरकत पर जो कहा वो काफी गंभीर था 6 जुलाई को। खैर, निवेशकों की क्या गलती थी? उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बन रहे हैं, खरीद लेते हैं। अपनी कमाई इस विश्वास पर दांव पर लगा दी कि सरकार ने जमीन के मामले में कम से कम कोई गड़बड़ी नहीं की होगी। रियल एस्टेट के तमाम दफ्तरों में आज इसी तरह खरीदार जमे रहे। बिल्डर उन्हें भरोसा दिलाते रहे, लेकिन लोगों को दिलासा नहीं मिला। इनसे कुछ भी पूछो ये कहते नलिफाइड हो गया। जो भी इनका टर्म्स एंड कंडीशन था, जो पेपर वर्क था, जो भी ये कह रहे, सारा कुछ नलिफाइड हो गया। इन्वेस्टर को कोई सही रिप्लाई नहीं दे रहे। रिफंड कब तक देंगे, क्या होगा आगे, कुछ भी नहीं बता रहे। नहीं, लेकिन जो बैंक्स की EMI है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि EMI देना बंद कर देंगे आप बैंक्स की? नहीं, वो वहाँ पे वो ये तो अपने आप ऑटोमेटिक कट जाती है। EMI और हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है लोन के ऊपर सारा। पिछले कुछ अरसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बाढ़ सी आ गई है। मंदी के वक्त लोगों को लगा कि ये सस्ते फ्लैट खरीदने का अच्छा मौका है, उन्होंने दांव लगा दिया। लेकिन अब अमित शर्मा जैसे कई लोग पछता रहे हैं। वो बैंकों की EMI और कोर्ट के फैसले के बीच एक अनिश्चित भविष्य में फंस गए हैं। मैं अभी तक करीब 5.5 लाख रुपए दे चुका हूँ बिल्डर को, और 5.5 लाख रुपए देने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे को घर मिलने वाला है अगले 1-1.5 साल में, या वो पैसा इतनी जल्दी रिफंड होगा अगर इसकी कोई बात शुरू होती है। घर का वादा करने वाली कंपनियों के दरवाजे पर दिन भर उन लोगों का तांता लगा रहा जिन्होंने अपनी सारी कमाई जमा करके अपने लिए घर बुक कराए हैं, और ये लोग अब गुस्से से उबल रहे हैं। उनका कहना है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सिर्फ किसानों के हितों की ओर देखता है, उनको नहीं देखता। दिक्कत यह है कि अगर खरीदार बैंक की EMI रोकेगा तो बैंक उसे डिफॉल्टर घोषित कर देगा और आगे लोन की बची हुई रकम नहीं मिल पाएगी। उधर दूसरा तर्क ये है कि जब घर मिलेगा ही नहीं तो EMI देने का फायदा क्या है। इस नाउमीदी के बीच बिल्डर खरीदारों को उम्मीद की लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से उनको EMI पे करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी एक समाधान निकलने वाला है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है, स्कूल बन चुके हैं, हॉस्पिटल में काम चल रहा है। कई लोगों ने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में भी घर खरीदा है।
उनकी परेशानी ये है कि बैंकों ने कोर्ट के फैसले के बाद आगे की रकम का भुगतान रोक दिया है। बैंक डिक्लाइन कर रहे हैं? नहीं, बैंक डिक्लाइन कर रहे हैं। मना कर रहे हैं बैंक? बिल्कुल बिल्कुल, बैंक ने तो स्टे लगा दिया। तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे? बैंक साहब जिसे फाइट कर रहे हैं रिफंड के लिए, मैंने अप्लाई कर दिया इसमें, और देखिए टाइम मांग रहे हैं हमारे से। आप कह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अवैध तरीके से जमीन अधिग्रहण के कुछ ही मामलों में अभी हाईकोर्ट के फैसले आए हैं और कई फैसले अगले कुछ दिनों में आने हैं। ऐसे में हजारों फ्लैट खरीदार हैं जिनके दिल में धुकधुकी लगी हुई है कि कहीं अगले फैसले से उनका फ्लैट तो नहीं फंस जाएगा। नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा से हृदयेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। और सवाल तैयार आपके स्क्रीन पर, हमारे पैनलिस्ट आपके स्क्रीन पर कुछ ही देर में आपके सबके सामने हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरआर सिंह दिख रहे हैं, जो डीजी हैं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के। अनिल शर्मा जी टाई में हैं और सीएमडी हैं आम्रपाली ग्रुप के। आर के अरोड़ा साहब हैं, सीएमडी हैं सुपरटेक ग्रुप के, उनके पीछे उनके कंपनी का लोगो भी लगा हुआ है। नीली शर्ट में चश्मे में श्रीराम खन्ना जी हैं और आप उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। उनके ठीक बगल में संजय पारिक साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मसलों के बारे में आप अच्छी जानकारी रखते हैं। और गमछा लपेटे आप मनवीर भाटी साहब हैं, किसान नेता ग्रेटर नोएडा से आए हैं और टाई में मैं हूं, सब लोग हैं यहां पर मौजूद हैं। सवाल अनिल शर्मा जी, जब कल आप प्राइम टाइम में आए थे तो वक्त बहुत कम था, मैंने आपसे वादा किया था कि सारे सवालों पर तफसीलात से चर्चा करूंगा। मैं बहुत सारे पहलू हैं और हम हर सवाल पर आएंगे। शुरुआत में आपसे इसी से कहना चाहता हूं, आपने कल कहा था कि आप क्या करें, सरकार की जमीन आपने ली और इस भरोसे से ली कि उस जमीन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं, क्योंकि आपने एक संघ भी बनाया है, एसोसिएशन बनाया है, कि क्या आप लोग वाकई में इतने मासूम थे और आपके पास ये जानकारी नहीं थी कि इमरजेंसी क्लॉज लगाकर वो जमीन जो औद्योगिक विकास के लिए खरीद ली जानी चाहिए थी और जो काम है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को, वो रेसिडेंशियल इस्तेमाल के लिए एक खास कानून के तहत बदली जा रही है, किसानों को सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो कल को अगर ये लोग अदालत पहुंच गए, जैसे कि पहुंच गए, तो आपके ही बिजनेस इंटरेस्ट पर गहरा असर पड़ सकता है। जी, मैं बिल्कुल आपके सवालों का स्वागत करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि देखा जाए इस तरह की समस्या डीडीए में पहले से, जो हम लोग जो डिफरेंट लॉ फोरम से या डिफरेंट फोरम पे और हम लोग जो बात कर रहे हैं और इससे ये निकल के बातें आ रही है कि बताइए ये डीडीए हो या विशाखापट्टनम डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, जब डिफरेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने माननीय न्यायालय ने इमरजेंसी क्लॉज को डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए पहले से कई डिसीजंस, कई उन्होंने रूलिंग को ओके किया, जब ये अचानक बातें नोएडा या ग्रेटर नोएडा पे आके गिरी तो नेचुरली ये लगा कि अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है। और आज के डेट में ये देखा जाए कि जितने भी लैंड हम लोग जितने पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, हर एक लैंड एक्विजिशन के ही थ्रू होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई इनहेरिटेड लैंड नहीं होता है। तो इस केस में बहुत डिफिकल्ट है कि कोई भी डेवलपर, या आज डेवलपर की बात नहीं ले, मान लिया किसी को इंस्टीट्यूशन खोलना है, किसी को इंडस्ट्री लगानी है, और अगर वो गवर्नमेंट ने कोई ऑक्शन निकाला या कोई टेंडर इनवाइट किया या कोई इनवाइट किया, उन्होंने जो वो लोग इन्वेस्टर्स मीट करते हैं, आप देखते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात और झारखंड वाइब्रेंट और कमिंग टू, ये सारी चीजों में हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि हमारा लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस क्या था। हम तो सोचते हैं गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया तो ये बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ और नॉन इनकम्बेंट लैंड होगा। अच्छा, तो लग रहा है लेकिन शर्मा जी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई को आप लोगों ने जब अपनी दलीलें पेश की थी तो कमोबेश यही तर्क था कि जब आपने कहा कि आप रेसिडेंशियल के लिए कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने
पब्लिक इंटरेस्ट, और कहा था कि ये स्विमिंग पूल बनाना और इस तरह से घर बनाना पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपने जो एक बात कही इमरजेंसी क्लॉज की, उसमें मैं संजय पारिक जो वकील हैं उनकी राय लेना चाहता हूं। इमरजेंसी क्लॉज में और दर्शकों को भी बता दूं कि जब अधिग्रहण होता है जमीन का तो सरकार उसमें इमरजेंसी क्लॉज लगा देती है, तो ये जो किसान है गमछा में जो बैठे हुए हैं वो अपनी आपत्ति सरकार को नहीं जता सकते कि हम ये जमीन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, इनका अधिकार खत्म हो जाता है। अनिल शर्मा जी ने कहा, संजय पारिक साहब, कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने कई मामलों में इमरजेंसी क्लॉज के इस्तेमाल से ली गई जमीन को सही ठहराया है, ये फैसला अचानक आ गया। उनका कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे फैसले हुए हैं। इमरजेंसी क्लॉज आप जब लगाते हैं जब आपको लगता है कि इमीडिएटली किसी चीज की आवश्यकता है, उसके लिए कोई डिलेस नहीं हो सकता। किसी बांध के अंदर कोई आपको कार्य करना है, दूसरा करना है, तो उसके लिए आप उस क्लॉज को लगाते हैं, वरना आप नहीं लगाते। अभी तो इमरजेंसी क्लॉज का ये हो गया है सेक्शन 17 का कि हर एक स्थिति के अंदर रियल एस्टेट में लगा दीजिए, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लगा दीजिए, सालों सालों तक वो पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता उसका, और आप उसको कहते हैं 17। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें जो उनकी सुनवाई है किसानों की या किसी भी और व्यक्ति की जो उससे अफेक्टेड है वो खत्म हो जाती है, उसका राइट खत्म हो जाता है। तब उन्होंने, अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो बात थी, लेकिन अभी जो नए फैसले आने लगे उसमें उन्होंने ठीक बोला है। उन्होंने ये बोला है कि केवल ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट की बात नहीं, ये तो उससे भी आगे जाता है क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एम्पावरमेंट की बात आती है वो ये है कि आप लैंड एक्विजिशन को यूज करेंगे लोगों के लिए इक्वालिटी लाने के लिए, या किसानों और गरीब लोगों की चीजें लेकर के आप कुछ लोगों को दे देंगे। क्या ये पर्पस है लैंड एक्विजिशन का? जो पहले पर्पस था कि जमींदारों से लेकर के आपको लगा कि लोगों को दिया जाए, वो पूरा का पूरा उल्टा हो गया। तो अभी मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है बहुत अहम फैसला। अरोड़ा साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक क्या आपने इमरजेंसी क्लॉज के बारे में राय बनाई है? आपको लगा कि ये इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से किसानों से जमीन लेकर आप लोगों ने लिया, करीब 32,000 करोड़ का बता रहे हैं कि निवेश स्टेक पर अब लग गया है, उसमें आप लोगों का भी है, आम लोगों का भी पैसा है, क्या अब भी आपको आपकी राय नहीं बदली है कि जो अथॉरिटीज हैं वो किसानों से गलत तरीके से जमीन ले रही है? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि जब हम लोग जमीन लेते हैं या कि जब कोई अथॉरिटी बिड निकालती है तो हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में जाते हैं कि वो रेजिडेंशियल यूज के लिए है या कमर्शियल यूज के लिए है, उसी कंडीशंस के मुताबिक हम लैंड खरीदते हैं। जहां तक अर्जेंसी क्लोज का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों एक हम सेम कोर्ट का माननीय न्यायालय का यही इसी कोर्ट का एक जजमेंट सहारा इंडिया के लिए था, गाजियाबाद में करीब 300 एकड़ की जमीन अर्जेंसी क्लोज में एक्वायर करी गई थी, तो वो उसमें रिट डाली गई थी, तो सेम कोर्ट ने उस रिट को डिसमिस किया था, अर्जेंसी क्लोज को एक्सेप्ट किया था। ये डिफरेंट टाइम के ऊपर जो डिफरेंट तरह के जजमेंट आ रहे हैं इसमें, तो बेसिकली ये हम लोग लैंड एक्विजिशन से बहुत परे हैं। हम लोग को तो एक अथॉरिटी से अगर लैंड खरीदते हैं तो वो लैंड हमारे लिए उस पर्टिकुलर यूज के लिए होती है जिस पर्टिकुलर यूज के लिए हम डेवलप कर रहे हैं। साहब, बहुत धीरज के साथ आप सुन रहे हैं। मैं बड़ी बड़ी शांति से सुन रहा हूँ और मुझे अचंभा हो रहा है कि इतने पढ़े लिखे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने वाले लोग, क्या आप हिंदुस्तान की जनता को एकदम नाइव समझते हैं कि ये बेवकूफ है? इनसे 850 रुपए की मीटर की जमीन जबरन एक्वायर करके नोएडा अथॉरिटी ने इनको 10,000 रुपए मीटर में बेची, और मैं शर्तिया ये दावा कर रहा हूं आपको, कोई भी एक बिल्डर नहीं है ग्रेटर नोएडा के सारे इलाके में जिसने बिना रिश्वत दिए जमीन अलॉट कराई हो, जहां 10,000 रुपए चेक से पेमेंट किए गए, कम से कम 8,000 रुपया मीटर उन्होंने रिश्वत दिए यूपी के ऑफिशियल्स को और वहां के पॉलिटिशियंस को, तब जाके फॉर्मल अलॉटमेंट हुआ है। अगर एक भी बिल्डर एक प्रूव कर दे कि मैंने रिश्वत नहीं दी है, प्लीज, मैं बड़ा संजीदा आरोप लगा रहा हूँ। इनका बिल्डर्स का बिना सबूत नहीं, इसमें सबूत की जरूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि हमारी सुनवाई करो, इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने हमको दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर फैसले में लिखा है कि किस तरह से इन्होंने इनकी कनाइवेंस से सारी चीजें हुई है और उन्होंने जमीन ली है उनसे मिलजुल करके, ये उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ना यूपी में लोकपाल है ना दिल्ली में लोकपाल है। जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे बात खत्म करने दीजिए। ना दिल्ली में लोकपाल है ना यूपी में लोकपाल है, पॉलिटिशियन अफसर और व्यापारी बिल्डर मिलके गरीब आदमी का खून चूस रहे हैं, ये गिद्ध हैं।
जो नोच नोच के खा लेंगे, अगर कचहरी बीच में नहीं बोलती आप तो ये हड़प कर देते। उसकी एक सीमा में रही, आप खुल के आलोचना कीजिए पर गिद्ध न कहें। देखिए ये मैं शब्द इसको छोड़कर मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दीजिए इसका कि शर्मा जी ने श्री राम खन्ना जी, रवि जी मुझे एक बात बोलने का मौका दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट जो प्लानिंग कमीशन और ये अपने बजट में जो आउटले करती है 1,00,000 करोड़ का, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ये हवा में एयर में बनता है या इसका भी मेन कंपोनेंट लैंड है? और यदि लैंड है तो जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी जो इतनी पुरानी है, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो इतना पुराना है, अब ये बताएं जब हमें किसी सड़क के लिए बीड करना है या किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बीड करना है तो क्या मुझे गवर्नमेंट से ये पूछना पड़ेगा कि आपके एक्विजिशन का प्रोसेस क्या था? शर्मा जी ये हमारा चूंकि आज हमारे पास जितने बायर्स हैं हम उनके हितों के लिए लड़ रहे हैं जी। अन्यथा एक चीज देखा जाए, डेवलपर्स की ये सारी बातें जो कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के परिपेक्ष में देखा जाए ठीक है। शर्मा जी आप के लिए हरेक जी जी आपने एक बात का ध्यान जो मेरा सवाल था कि आप मैं आपको कल से काफी सुन रहा हूं और आप काफी अच्छे तरीके से अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल था कि आपने अपने पूरे वक्तव्यों में आप एसोसिएशन ने कभी भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर उंगली नहीं उठाई, कभी भी सरकार पर सवाल नहीं किए, क्यों ये चुप्पी क्यों है? मिली बात है रवि जी, उनको कहने दीजिए। हाँ रवि जी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या सरकार पे ये सवाल इस छोटे से स्केल पे नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के सारे सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी आप लैंड एक्वायर करते हैं, जहाँ कहीं भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, एफडीआई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। अनिल जी आपने गाजियाबाद में भी बहुत सारे अपार्टमेंट बनाए हैं, वहाँ तो किसी ने कैंसिल नहीं किया, वहाँ तो किसी ने रिट फाइल नहीं किया, नोएडा एक्सटेंशन में जरूर कोई ऐसी बात रही होगी, जाती हुई होगी जी। अदालत तो दो अदालतों ने सारे फैसले की पुष्टि की है और जिस तरह से बताया है कि ऐसी क्या काम है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, इंडस्ट्रियल नाम है। मैं अभी आरआर सिंह ब्रिगेडियर आरआर सिंह पे जाने वाला हूं, उनसे और लूंगा, लेकिन ये सब मुझे एक चीज क्लियर करने के लिए समय दिया जाए जी। क्योंकि देखिए देखा जाए जो अथॉरिटी बनी 1976 में पूरे हिंदुस्तान में वो दो तरह की अथॉरिटी थी, एक अथॉरिटी जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हमारे पास माननीय न्यायालय का भी आदेश ये है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंटेन्स हाउसिंग डेवलपमेंट एज वेल, और अभी हमारे ही केस में नोएडा के केस में सेम जजमेंट 12 मई को आया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि हाउसिंग इज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। संजय जी सही बात है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी मुझे समझ नहीं आता कि कैसे बोल सकते हैं हाउसिंग इज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इस तरह के कोई मेरे पास जजमेंट है, देखिए इसमें दो चीजें मैं बता दूं आपको, एक बहुत बड़ा अहम एक सेकंड हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और सारे डेवलपमेंट का मुद्दा, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट जिस तरीके से चल रहा है कि आप एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करते चले जाएं और किसानों की जमीन लेते चले जाएं, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू आता है उसके अंदर, तो क्या इस तरह के डेवलपमेंट को जस्टिफाई करते हैं? ये बोलते हैं कि नहीं हम तमाम जगह पर रियल एस्टेट ही बनाते जाए, तमाम जगह के ऊपर इंडस्ट्रीज बनाते जाए, लोगों के जो किसान है उनके आप बोल रहे फिर अनिल शर्मा जी जवाब देंगे। हाँ नहीं मैं शर्मा जी से पूछना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उनके पूरे हिंदुस्तान में, अब नोएडा ग्रेटर नोएडा क्या मत लिया जाए, इतने हिंदुस्तान में लिया जाए कि वो 15% हाउसिंग के लिए और रेस्ट 85% नॉन हाउसिंग के लिए, उसमें इंडस्ट्री है रिक्रिएशन। अनिल शर्मा जी पर क्या ये बता सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 15% रेसिडेंशियल दे रही है? हम सब जानते हैं आप आर सिंह साहब, ये अथॉरिटी का जो काम है ये उद्योगों के विकास का काम है, आपको नहीं लगता कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की आज यही पहचान है कि वो जमीन लेती है, जमीन बेचती है, वो दुकानदार बन गई है, व्यापारी बन गई जमीन की? तो कोई शक नहीं है, देखा जाए मैं किसी चीज को एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट में जो प्रोविजन है मैं उसको रखना चाहता हूँ, डेवलपमेंट किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी को यूज किया जाता है रेजिडेंशियल के लिए भी, क्योंकि कोई भी एरिया में खाली इंडस्ट्री आप नहीं बना सकते, इंडस्ट्रियल वर्कर्स बिल्कुल, तो उनके लिए मकान भी चाहिए। तो आप ग्रेटर नोएडा में किस इंडस्ट्री के लिए लोग वहां बना रहे हैं?
देखिए ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, बहुत सारे सर्विसेज आ रही हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं और सबके लिए रेजिडेंस की भी जरूरत है। एक तो पिछले चार साल में कहीं कोई फैक्ट्री मुझे बता दें, अनिल शर्मा जी बता दें, प्राधिकरण का कोई आदमी बता दे, राज्य सरकार का कोई आदमी बता दे, जब से प्रदेश सरकार में ये मायावती जी गवर्नमेंट आई है कहीं कोई फैक्ट्री के लिए एक भी इंच जमीन अलॉट किया तो बताइए। दूसरा शर्मा जी अभी कहे जा रहे हैं कि यहाँ पे गाजियाबाद में वहां रद्द नहीं हुआ था, इनको मैं ये पूछना चाहता हूँ शर्मा जी से कि 1 फरवरी 2010 को इस लैंड यूज को चेंज किया गया था, किसानों को सावेरी में, बिसरक में, इटेड़ा में, हैबतपुर में, पतवाड़ी में जब जमीन के धारा 4 के नोटिस दिए गए थे, बाकायदा इंडस्ट्री के लिए उस पे नोटिस थे और इसी बहकावे में कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी और किसान के बेटे को रोजगार मिलेगा। शर्मा जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन हम एक ब्रेक लेना चाहते हैं, अरोड़ा साहब से भी सवाल है, एक छोटा बताऊंगा इसके बारे में जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, हम जल्दी आ रहे हैं, अरोड़ा साहब आपके पास ही आएंगे, आप जवाब दीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ये बहस अभी चल रही है। ग्रेटर नोएडा से सटा नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन सबके सर पर, लेकिन सरकार चुप, अथॉरिटी के लोग चुप, अपनी सुविधाओं के अनुसार उन्होंने ना तो कोई बयान दिया ना कोई आश्वासन, इस तरह से वो गायब है पूरे सीन से। आर के अरोड़ा सुपरटेक के सीएमडी कुछ कहना चाहते थे, मनवीर भाटी का जो पहले हिस्से में ब्रेक से पहले कहना था कि 4 साल में इंडस्ट्री नहीं लगी है, एक आध लग भी गई होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या आप ये कहेंगे कि उस इंडस्ट्री के जरूरतों के हिसाब से वहां रेसिडेंशियल लाखों की संख्या में 1 लाख फ्लैट वहां पर बन रहे थे, कौन सी इंडस्ट्री वहां पर ऐसी आ रही थी और इतने लोग जाकर वहां रहने वाले थे जिसकी जरूरत को पूरा करने के लिए एक्सटेंशन का ये इमरजेंसी क्लॉज लगाया गया। अरोड़ा साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, शायद वकील साहब इस चीज को रट के आए हैं कि वहां पर इंडस्ट्रियल लैंड यूज था। शायद वकील साहब को यह मालूम नहीं है कि पिछले 3 साल पहले वहां पर एक सेक्टर 2 के अंदर छोटे छोटे प्लाट 150 मीटर से लेकर 250 मीटर के प्लाट अथॉरिटी ने वो रेजिडेंशियल लैंड यूज के अंदर लॉटरी के द्वारा अलॉट किए गए थे। क्या वो इंडस्ट्रियल यूज था? 3 साल पहले ही उसका जो लैंड यूज था वो रेजिडेंशियल था और उसी के अंदर उसके अंदर स्कूल भी बन रहे हैं, उसके अंदर हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, उसके अंदर आईटी भी बन रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल सिरे से मैं नकारता हूं कि इसमें इस तरह का कोई लैंड यूज कन्वर्जन का मामला नहीं था। मैं अरोड़ा साहब से पूछना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी, मैं आपको बता दूं जब 1 फरवरी को लैंड यूज चेंज हुआ था तो हमने उसका बाकायदा पूरे नोएडा एक्सटेंशन में एक पैदल मार्च करके सभी जितने भी बिल्डर के दफ्तर थे सबको बताया था कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है, किसानों ने ये जमीन इसलिए नहीं दी है। और 28 मार्च को उसी जगह से सुपर टेक के जगह और आपके जो आम्रपाली विला जो बन रही है वहीं से 3 दिन के लिए जेल भेजा गया था, उसके बाद फिर 17 जुलाई को दोबारा जेल भेजा था। तमाम आप सबको मालूम था ये चीज कि यहाँ किसानों के साथ गलत हो रहा है, किसानों के गाँव में जानने की कोशिश नहीं की कि ये सब क्या हो रहा है। मनवीर जी आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी, मनवीर जी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कृपया जवाब दें। आप ये मुझे बताया जाए कि क्या आप इस विकास नहीं चाहते हैं उस क्षेत्र में? आप भी चाहते हैं विकास, आप भी चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगे, हाउसिंग भी बने, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने, मेट्रो भी आए, आप यहाँ पर कमजोर पड़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छे से विकास की परिभाषा दे दी और कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट और इन सारी चीजों को उन्होंने अच्छे तरीके से परिभाषित। मुझे 2 बात कहने दीजिए, मेरे पास अनिल जी से बात, मेरे पास जजमेंट है और मैं उस जजमेंट में से 2-3 लाइनें पढ़ देता हूँ। उसमें साफ लिखा हुआ है, although the builders appear to have engineered the acquisition of land in question, they could neither defend or justify invoking of urgency provisions nor contest. ये आप लोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा सुनिए, but the facts brought on record, one second, the facts brought on record unmistakably show that the whole exercise of acquisition was designed to serve the interest of the builders
एंड द वेल ऑफ पब्लिक पर्पस इज यूज्ड टू मिसलीड द पीपल इन बिलीविंग. सरल हिंदी में इसका मतलब यही है कि आप लोगों के हितों को देखते हुए. सरल जी शर्मा जी बोलिए. मैं ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और फैसला इसके ऊपर आपका कमेंट कुछ नहीं हो सकता. आप जो बोले बोले किस तरह का विकास हो रहा है. एक सेकंड मैं बताऊंगा किस तरह का विकास हो रहा है. आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि गांव के बिल्कुल जस्ट बगल में 40 मंजिल की दीवार खड़ी हो गई जिसमें 5-6 मंजिल का आपने मतलब बेसमेंट बनाया है जिसमें डिवाटरिंग हुई है, उसका पानी निकाल के बाहर फेंक दिया. जमीन जो आपने 7 लाख रुपए बीघे में आपने खरीदी थी और वो आप उसे लाखों प्रॉफिट कमा रहे हैं. जमीन की कीमत तो अलग रहेगी, आपने पानी निकाल के बाहर फेंक दिया. वो पानी जिस गांव के नजदीक से आपने बाहर निकाल के फेंका है, निश्चित उस गांव का पानी जल स्तर कम हो गया, नलकूप बंद हो गए हैं. दूसरा, एक फ्लैट में आप 3 AC लगा रहे हैं, 10 लाख फ्लैट की योजना ला रहे हैं. गांव के चारों तरफ 30-30 लाख AC की जब गैस बाहर जाएगी क्या दीजिए विकास के साथ सवालों का जवाब. अनिल शर्मा जी, ये बहस कहीं और जा रही है लेकिन हम इसको रोकना चाहते हैं. हम इसको इस बात तक, बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम देखिए अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस पर्यावरण के सवाल को नहीं समझते लेकिन हमारा किसान एक पेड़ की कीमत को जानता है और आप भी जानते हैं. मैं जानता हूं कि आप इन सब चीजों को आपने देखा होगा नजदीक से. पर अनिल शर्मा जी, जो अदालत बार बार कह रही है कि टेक्निकल बात बताता हूं कि ये 15 फीट पे ही वहां पानी है, मतलब वहां तो रहने दीजिए इसको. जो अदालत बार बार कह रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात साफ आ रही है कि आप लोग अथॉरिटी और सरकार के लोग मिले हुए हैं और हितों को अपने हित के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं जिसमें जाके लोग ठगे जा रहे हैं और जिसमें लाखों फ्लैट आप खुद झेल रहे हैं. इस बात को मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बीमार पड़ गए हैं. लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आती है कि लैंड रिसोर्स हिंदुस्तान में कहां, मुझे एक बात बताइए आप, लैंड रिसोर्स 91 से डेवलप कहीं भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट रद्द नहीं हुआ है. शर्मा जी, कहीं भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट रद्द नहीं हुआ है. नहीं रवि जी, हम लोग हिंदुस्तान के 40 शहरों में हर जगह अथॉरिटी से लैंड लेते हैं, सरकार से ही लैंड लेते हैं. वही मेरा सवाल है कि यही क्यों फंस गया. अगर आप स्क्रैप यही क्यों फंस गए. नहीं ये तो बड़ी अजीब, यही तो मेरा सवाल है कि किसान को पैसे देने के बजाय इन्होंने सरकारी ऑफिसर्स को रिश्वत दी. 10,000 रुपए मीटर दिया नोएडा को, 8,000 रुपए मीटर दिया सरकारी ऑफिसर्स को, और ये पैसे इनको देते तो आपको जमीन मिलती. अगर इस बात पे चर्चा होने लगेगी तो हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी. नहीं ये बात देखिए वास्तविकता है. अरवा साहब देखिए हम चर्चा करें या ना करें ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन लोग ये बात कहते हैं. हम ये चाहते हैं, ये जो सांठगांठ की बात है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कहा है, मैं पहली बार या श्रीराम खन्ना पहली बार नहीं कह रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं इनसे कि जो 3 लाख बायर हैं, जो वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनको यहाँ झुग्गी और झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा. क्या उनके इस दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं जिस दिल्ली में, और मैं कई झुग्गियों में मैं गया हूँ. कम से कम आप मुझे बख्श दीजिए, मैं थोड़ा में भी गया हूँ और मैं वो जानता हूँ कि वो भी एक मिडिल क्लास है और किस हिकारत और जलालत की जिंदगी वो लोग जी रहे हैं. तमाम सरकारी वादों को उनको छोड़ दीजिए, लोगों को घर नहीं मिलेगा तो उनको रहना आता है. 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं. लेकिन जो सवाल ये आ रहा है कि इतने सारे लोग जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई की है, इसमें किसान भी हैं, आप लोग भी हैं, आपका भी बिजनेस है, जो पारदर्शिता है और जो इस तरह से कहीं और तो कैंसिल नहीं हुआ, जाके आप लोग नोएडा एक्सटेंशन में ही सारा मामला फंसा है. क्या आपको नहीं लगता कि सारी प्रक्रियाएं इतनी जल्दी में की गई कि सारा इंटरेस्ट आपको सूट करे? आप ये बात अब तो आप स्पष्ट हो जाए क्योंकि अब तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है. अगर आपको पब्लिक ओपिनियन की सहानुभूति ही लेनी है तो थोड़ा और खुल के बोल सकते हैं आप. ठीक है कि जो श्रीराम खन्ना रवि जी, मैं शर्मा जी, हाँ, जी रवि जी, शर्मा जी के मुंह से बड़ी अजीब सी बात लग रही है. शर्मा जी बहुत सैद्धांतिक बात कर रहे हैं जबकि प्योर व्यवसायिक शर्मा जी हैं, पूरी तरह से इतना मोटा मुनाफा उठा रहे हैं. बात कर रहे हैं सैद्धांतिक कि सरकार पे भी तो कम से कम आप लोग उंगली उठाइए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे भी तो उंगली उठाइए. मैं ये कह रहा हूँ रवीश जी, हाँ. ये 1991 से चल रहा है, कितनी सरकारें आई कितनी सरकारें चली गई, ये बताएं मुझे कि 1991 से नोएडा या ग्रेटर नोएडा में यही डेवलपर उस 15% लैंड पे काम कर रहे हैं ना, क्यों नहीं? अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो शायद नोएडा या ग्रेटर नोएडा. वही सवाल कर रहा हूँ कि गड़बड़ी जी संजय भाई, मुझे एक बेसिक बात बोलने दीजिए क्यों मुझे लगता है डिबेट बहुत, कि जितने मेटेरियल रिसोर्सेज हैं, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या उनके ऊपर लोगों का अधिकार है
या सरकार का यह है कि वो एक्विजिशन करके और जिनके पास पैसा है उनको बांट दे, उनको बांट जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता। बोले आरआर सिंह साहब, सबसे बड़ा इसमें जो कौन कल्प्रिट है, गवर्नमेंट और सरकार, सरकार के ऊपर आप लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो होना बार बार उठा रहा। देखिए पॉइंट ये है कि सरकार ने लैंड एक्विजिशन किया है, सरकार ने डेवलपर्स को बेचा है, डेवलपर्स से यूजर्स ने खरीदा है। अब इसमें सब गवर्नमेंट ने जमीन खरीद करके गलत तरीके से अगर डेवलपर्स को दिया है तो इसमें डेवलपर्स का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, इसमें बायर्स का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। मेन रूट ऑफ द कॉज इज सीधा साधा इक्वेशन है। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्री काउंसिल, ये केवल व्यावसायिक हितों की बात कर रहे हैं। जो बिल्डर को यह नहीं पता रिश्वत देके मैं जमीन ले रहा हूं और जबरदस्ती किसान से इन्होंने जमीनें ली हैं, इनका पता नहीं है। एक एक बिल्डर ने रिश्वत दी है यूपी गवर्नमेंट को, एक भी प्लॉट बिना रिश्वत के अलॉट नहीं हुआ। मैं जिस एनजीओ संस्था से हूं, हमने भी नोएडा अथॉरिटी को कहा था 1,000 मीटर दे दो हमारे एनजीओ के लिए, उन्होंने कहा था नहीं 10,000 से कम नहीं देंगे। और हमें पता लगा कि बिना रिश्वत के कोई प्लॉट नहीं दिया गया। पर होगा, आरोप लगा रहा हूं। हम ये जानना चाहते हैं, बिल्कुल राज्य सरकार का इसमें मिली भगत है और वास्तव में एकदम से कौन सी आफत आ गई? सरकार के लोग तो आते नहीं ना, उत्तर प्रदेश सरकार से तो कोई बोलता नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की है, सरकार ने जो अधिग्रहण किया है। हर मामले पे शशांक शेखर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस मामले पे नहीं किया उन्होंने कोई इस तरह का बयान, अभी तक नहीं आया है। जो बायर्स को और बिल्डर को भी एक तरह से एक भरोसा मिले और ये भी कहा जाए कि किसानों को ज्यादा मुआवजा मिल सकता की बात कर रहे हैं। वो सिस्टम जो है एक जगह नहीं है, पूरी जगह एक सेकंड जा रही है, एक ब्रेक लेते हैं। अनिल शर्मा जी, प्रॉब्लम में जो एकदम से लैंड यूज चेंज हुआ है, सरकार ने सोल्यूशन वही कहीं चाहिए, सरकार ने बिल्डर्स की भी तो मिली भगत है, ये कहा चली जाएगी? एक सेकंड एक सेकंड। हाँ अरोड़ा साहब कुछ कह रहे थे आप। देखिए रवीश जी, हम गलत डायरेक्शंस में आर्ग्यू कर रहे हैं। हाँ। हमें देखिए आज ये देखिए बीइंग ए डेवलपर, हमको एक जमीन मिली, हमने लोगों का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया, फ्लैट बायर उसके अंदर आए। आज ये जो समस्या आई है उसका समाधान क्या है, हम उसके ऊपर चर्चा ना करके ना रॉन्ग तरह से डायरेक्शंस। मैं उस पर चर्चा करूंगा, ब्रेक के बाद चर्चा करूंगा। अच्छा लग रहा है कि आप लोग एक तरह से काफी संवेदनशील तरीके से बात कर रहे हैं, वरना हमने भी अपनी मीडिया में काफी सुना है कि मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूं कि भाई बिल्डर के खिलाफ खबर मत लिखना, लेकिन ये जो सवाल उठ रहा है वो बहुत जरूरी है। और अगर आप ये भी कहना चाहें अनिल शर्मा जी कि आपको कौन कौन सा पत्रकार फोन करता है डिस्काउंट देने के लिए, तो आप मेरे शो में कह सकते हैं, अगर नाम ना भी लेना चाहें तो ये राज भी बता सकते हैं। और मुझे मैं सबों के लिए, पूरी जनता के लिए, हमारे साथ सभी लोगों का हमारे पास समान फोन आता है। तो ये सारा मामला जो है गोल गोल घूम रहा है, लेकिन हम सीधे रास्ते पे पहुंचते हैं कि उपभोक्ता को हम लोग क्या सोल्यूशन पे आए। रवीश जी सोल्यूशन पे आए, सोल्यूशन क्या है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। एक सेगमेंट और रह गया है, ब्रेक के बाद थोड़ी देर में लौट रहे हैं। अरोड़ा साहब, एक सेकंड, ब्रेक में भी काफी बहस हो रही थी। अरोड़ा साहब, ये सवाल एक आप कुछ पूछना चाह रहे थे, मनवीर भाटी साहब पूछ लीजिए, संजय जी, अनिल जी बैठे हैं, अरोड़ा साहब बैठे हैं। मैं अरोड़ा साहब से पूछना चाहता हूं, अनिल जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं किसानों की बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, अभी मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप खुद 11 किसानों पर मुकदमा दर्ज कराए हैं सुपर टैक्स से आप शायद हैं, और मई के फर्स्ट वीक में आपने किसानों पे मुकदमा दर्ज कराए हैं, 3 बिल्डरों ने मिलकर, पंसील और आप और तीसरे जो है अमरपाली से हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें ये चीज नहीं थी, आप किसानों के गांव में आए, उनके घर जाके पूछा, आपने समस्या का समाधान करने का प्रयास किया कि अरोड़ा साहब, पनवीर जी पहली बात तो ये आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों ने कोई मुकदमा नहीं दायर किया है अपने किसानों के ऊपर। और दूसरी चीज ये बताएं मनवीर जी, एक चीज बताएं कि क्या इसका जो भी बायर्स हैं या किसान भी है या हम लोग भी हैं, हम लोग सभी तो लगभग कहीं ना कहीं एक ही परिवार से आते हैं ना, इसका सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? सही, आप सुनिए मेरी बात। अरोड़ा साहब, बहुत फिर 17 दिन के लिए जेल रहे, मैं खुद 17 दिन जेल काट के आया हूँ, और वो बताइए क्यों काट के आया, मुकदमा दर्ज नहीं कराया, अरोड़ा साहब ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया तो 17 दिन के जेल में क्या, वैसे दावत खाने के लिए भेज दिया जेल मुझे?
नहीं नहीं 11 किसानों को मुकदमे दर्ज थे और प्राधिकरण सरकार कहते हैं कि आम्रपाली ने आप पहले जो हमारा सॉल्यूशन वाले पॉइंट पर आना चाहते हैं। देखिए हम जो है ये गलत सोच है, हम एक्चुअल मुद्दे पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे सॉल्यूशन पे आ रहा, अभी टाइम है उसे बात करने के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में लैंड एक्विजिशन का है। हाँ लैंड एक्विजिशन उसमें बहस हो चुकी है, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसमें बहस हो चुकी है। नया अगर वो सही हो, अगर जो मास्टर प्लान सही बना हो तो उसके हिसाब से काम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कानून है उसी की आड़ में लोगों को लूटा जा रहा है, साफ साफ कहा। ये इतना बड़ा डिसीजन मैं अभी शो में नहीं कर सकता आरएल सिंह, ब्रिगेडियर आरएल सिंह साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्टेट की ऐसी क्या भूमिका होती है कि अब तक, शर्मा जी आप ही बता सकते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि जब तक राजनीतिक सत्ता जो है वो आपके करीब है, ये बात सब जानते हैं, अब एक ऐसा मामला आ गया है कि जब तक आपसे फायदा मिलता रहा ये दोस्ती बड़ी अच्छी निभी, अब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां आपकी सारी पूंजी लगभग दांव पर है, आप लोगों ने इतने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए हैं जहां आप ना तो अथॉरिटी के खिलाफ बोल सकते हैं ना सरकार के खिलाफ, क्या ऐसी स्थिति नहीं है? नहीं रवीश जी एक बात बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग कोई बहुत ही छोटे लेवल पे तो काम नहीं कर रहे, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं और सारी पूंजी ऐसी दाव पे भी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ हम लोग बिजनेस ही करना नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास का हाउसिंग का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यही एक एक्सटेंशन एक ऐसी जगह है पूरे हिंदुस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिच है, जो सारी सुविधाओं से लैस है। अगर ये समस्या नोएडा एक्सटेंशन में आज आई है तो हम लोग ये देख रहे हैं क्या हिंदुस्तान के ये और कहीं नहीं आई है आज। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन आप मैं एक सवाल का जवाब आएगी हाँ अरोड़ा साहब के लिए, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों की अथॉरिटी से कोई बात हुई है, जो बात हुई है उसे आपको क्या जवाब मिला है समस्या के समाधान के बारे में? हम लोगों ने सभी फोरम पे यही अनुरोध किया है कि साहब हमारा इसके समस्या के निदान पे हम लोग बात करें। अथॉरिटी को भी हमने कहा है कि आप जो बायर्स हैं, लाखों लाख बायर्स हैं, उनकी समस्या, किसानों की समस्या और हम लोग की समस्या सबों को आप ध्यान में रखते हुए आप एक ऐसा मॉडल तैयार कीजिए और आप हम लोग को बताइए क्या अन्यथा है, मतलब जो कंज्यूमर है जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि जो बायर हैं फ्लैट्स के उनको पैसा विद इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा मुनासिब, और मुनासिब इंटरेस्ट क्या है, जितना पैसा इंटरेस्ट का ये चार्ज करते हैं डिलेड पेमेंट पे उतना इंटरेस्ट पे पैसा वापस करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं मुनासिब दाम लेके किसानों से ये वापस की हुई जमीन खरीद के और फिर बनाते? नहीं वो तो निवेशक की बात हुई, अब यहाँ किसान की बात ये है कि चार चार मंजिल में उसमें जो है सरिया ठोक दी है, पूरा कंक्रीट बना दिया है, वो किसान उसको क्या करेगा, उस पर खेती छोड़ी और चार साल से नहीं। मैं इसको जानना चाहता हूँ, फसल नहीं उगाई है, सोल्यूशन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। सोल्यूशन अरोड़ा साहब, क्या ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि अभी भी आप इस वादे पर कायम हैं कि आप लोग निवेशकों का सारा पैसा लौटाएंगे, और कितने लोगों को आपने 7-6 जुलाई के फैसले के बाद से अब तक लौटाया है, ये प्रक्रिया किस स्तर पर है? ये ठीक है, एक भी आदमी का पैसा नहीं लौटाया, एक तो भी आदमी का। मैं इसके सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि अगर फार्मर और अथॉरिटी के बीच में कोई कंसेशन बनती है और इसका कोई सोल्यूशन निकलता है तो वो सभी के हित में है। आज इसमें इन्वेस्टर का पैसा लगा है, आज बैंक का पैसा लगा है, आज डेवलपर का पैसा लगा है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि आज हम सारा पैसा लौटा देंगे। हम भी बोनाफाइड परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी अथॉरिटी, हम अथॉरिटी के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे। अनिल शर्मा जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जी रवि जी मैं एक बात बताना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने टैक्स पेयर्स के गरीब जनता के पैसे लगे हुए हैं 300-400 करोड़, हमारे जो पैसे लगे हुए हैं ये सारे डेवलपमेंट करने में, आज हमारे देश में बहुत सारी समस्या। देखिए अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी हम संपादकीय नहीं लिख रहे हैं, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि क्या आप लोगों का पैसा वापस करेंगे या इस स्थिति में है? करेंगे साहब, यदि कोई रिड्रेसल मेजर, मैं तो कह रहा हूँ पहले हम लोग सोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा तो डेफिनेटली बायर्स के इंटरेस्ट को कहीं भी नहीं छोड़ा जा सकता। आप पैसा देंगे, हम अथॉरिटी से लड़ के पैसा लेंगे, सरकार से लड़ के पैसा लेंगे और हम उसको लौटाएंगे भी। क्लेम
हम अपना क्लेम डालेंगे, अथॉरिटी के पास से पैसा लेंगे और हम नोड एक्सटेंशन छोड़ देंगे अगर कोई चीज में हमको बड़ा लंबा लग जाएगा। जिस तरह से बातें देखिए देखिए इनकी जो बातों से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया तो इनको सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि लोग अपने क्लेम हमको जमा करना शुरू कर दें, हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये उसके कॉम्प्लायंस के अंदर। दूसरी बात ये है कि ये बार बार किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि फार्मर्स बैठ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, जैसे कोई आर्बिट्रेशन होगा। आपने इतनी बड़ी लीगलिटी की, इतनी बार बार अरोड़ा साहब ये लीगलिटी की, अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि वापस नोएडा एक्सटेंशन चले जाएंगे। मैं अरोड़ा साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, शर्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूं, समय कम है। अरोड़ा साहब और शर्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूं, जो आपने साथ साथ मंजिल बना दी है, जिस जमीन में पूरी तरह से कंक्रीट, पूरी कंक्रीट बना दिया, पत्थर बना दिया उस जमीन को, उस जमीन पे किसान किस तरह से खेती कर पाएगा? दो बातें हैं, फसल नहीं है। आप कंपनसेशन मांगिए उनसे, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। आज के डेट में जमीन की हालत ये है कि वो किसान के भी काबिल नहीं है, तो किसान का भी हो जाएगी, जमीन हो जाएगी, होता है वो रेस्टोर करना पड़ेगा उनको। हम ये जानना चाहते हैं, स्पष्ट कर दें एक बार फिर से, मैं इस शो को खत्म कर रहा हूं यहाँ पे, कि आप पैसा कब से वापस करना शुरू करेंगे? बहुत सारे हमारे सहयोगी, उनके दोस्त और कई सारे लोग दफ्तर के बाहर आ रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं हजारों लोग, कि कब आप लोग पैसा वापस करेंगे, या फिर आप अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे अथॉरिटी के साथ, उसके बाद आप पैसा वापस करेंगे? करेक्ट रवि जी, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, और हम लोग सारे डेवलपर ने ये कंसेंसस लिया है कि हम अपने बायर के पैसों को या अपने बायर के इंटरेस्ट को लूज होने नहीं देंगे, चाहे हमें फायदा हो या नुकसान हो, हम अपनी आखिरी लड़ाई अथॉरिटी से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे और पूरे देश से लड़ेंगे कि हमारे। शर्मा जी, मैं यही बात आपसे शो के शुरू में सुनना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये बात कही कि आप अपनी लड़ाई अथॉरिटी और सरकार से लड़ेंगे, हम भी देखेंगे कि वो लड़ाई कैसी होती है, और ये लड़ाई वाकई दिलचस्प होगी, जहाँ एक दूसरे का इंटरेस्ट मिलता है, अब इंटरेस्ट अलग होगा, लड़ेंगे। कट कट, टाइम टाइम खत्म, लेकिन ये बहस एक बार और करेंगे। शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनवीर भाटी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ब्रिगेडियर आरआर सिंह, संजय पारिख साहब, श्रीराम खन्ना साहब, साफ साफ बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है प्राइम टाइम लाइव एनडीटीवी इंडिया स्टूडियो से।